नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्थ ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं पांच काम ऐसे बताने वाला हूं, पांच ऐसी जानकारी देने वाला हूं, अगर आप बजरी तोते पालते हैं और आपके पास जो है बजरी तोते के बच्चे जो हैं वो नहीं बच पाते हैं, बच्चे ज़्यादा मरते हैं, तो ये पांच काम अगर आप कर लेते हैं, अगर आप पिंजरे में ब्रीड लेते हैं या कॉलोनी ब्रीडिंग लेते हैं, ये पांच काम जो कि मैं बताने वाला हूँ ये आप कर लेते हैं तो आपके यहाँ बजरी तोतों के बच्चे मरना बंद हो जाएंगे और एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। बजरी तोते के अंडे में से जब वो बच्चा निकलता है तो बच्चे निकलने से लेकर बच्चा जब बड़ा होकर मटकी से बाहर आता है, इस दौरान हमें क्या क्या करना है, क्योंकि काफ़ी सारे भाई जो है वो जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से कई बार छोटा बच्चा एक्सपायर होता है, कई बार बच्चा मटकी से बाहर आकर वो बच्चा जो है नहीं बच पाता या बड़ा होकर मटकी में ही एक्सपायर हो जाता है। तो इस दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए बच्चे निकलने से लेकर बाहर आने तक। तो सबसे पहला जो काम है, जब वो बच्चा अंडे में से बाहर आ जाता है तो सबसे पहला काम है सॉफ्ट फूड, उनकी डाइट। सॉफ्ट फूड का हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। सॉफ्ट फूड हमें अपने बर्ड्स को डेली देना है, डे बाय डे जो हम बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देते हैं अपने बजरी तोतों को, वो सारे ही सॉफ्ट फूड रोज़ाना आपको बदल बदल कर जो है वो देना है। बजरी तोतों के मटकी में अंडे हों, बच्चे हों या बर्ड्स ब्रीड पर ना हों, तब भी हमें अपने बजरी तोतों को सॉफ्ट फूड तो देना ही देना है। सॉफ्ट फूड हमें कौन कौन से देने चाहिए अगर आपको ये नहीं पता है तो वीडियो चैनल पर मौजूद है, तो आप वीडियो देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो पहला काम हमारा हो गया सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सॉफ्ट फूड जो है वो बजरी तोते बहुत शौक से खाते हैं और खाने में इन्हें आसानी होती है, जिससे ये ज़्यादा खाते हैं और अपने बच्चों को भी जो है वो पेट भरकर खिलाते हैं, जिससे कि बच्चों की ग्रोथ वगैरह अच्छी होती है, बच्चे भूख के कारण नहीं मरते हैं। उसके बाद जो है वो दाना इनके पिंजरे में या जो है वो कॉलोनी ब्रीडिंग लेते हैं, वहाँ दाना जो है रेगुलर होना ही चाहिए। दाना आप जो भी आप देते हैं, चाहे सीड मिक्स देते हैं या कंगनी देते हैं या कंगनी बाजरा मिक्स करके देते हैं, जो भी आप दाना देते हैं वो फिर पूरा ही दिन केज में होना चाहिए। अब वो दूसरा जो काम है वो है बच्चों की शिफ्टिंग। अगर आप कॉलोनी ब्रीडिंग लेते हैं तो आपको चाहिए कि बच्चों को एक मटकी से दूसरी मटकी में शिफ्ट करना, क्योंकि कई बार होता है कि बजरी तोते जो है वो चार से लेकर सात आठ नौ अंडे भी देते हैं, पर जब बच्चे निकलते हैं तो पहले बच्चे और आखिरी बच्चे में बहुत जो है फ़र्क आ जाता है। जब तक आखिरी अंडे में से बच्चा निकलता है तो पहला बच्चा जो है पहला दूसरा वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण छोटे बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं फीडिंग पेरेंट्स से प्रॉपर नहीं ले पाते हैं और कई बार जो है बड़े बच्चों के नीचे आकर भी वो मर जाते हैं। तो कंटिन्यू मटकियों को चेक करें और बच्चों को एक मटकी से दूसरी मटकी में शिफ्ट करें। अब जिन भाई के पास एक जोड़ा होगा वो भाई कहेंगे कि भाई हम कहाँ शिफ्ट करें, तो देखिए आपको चाहिए कि मटकी का जो साइज़ है आपको सही साइज़ मटकी का चुनना है। जो भी मटकी या बॉक्स आप लगाएं, चाहे आप कॉलोनी ब्रीडिंग ले रहे हैं या आप केज ब्रीडिंग लेते हैं, मटकी का साइज़ अगर सही होगा तो बच्चे ज़्यादा भी होंगे तो जोड़ा पाल लेता है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप जोड़े पर जो है वो छोड़ दें सब कुछ, क्योंकि इसके अलावा और हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। बहुत सारे जोड़े होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को भी पालते हैं। शिफ्ट करने में ये होता है कि किसी एक जोड़े पर जो है वो ज़्यादा लोड नहीं आता ज़्यादा बच्चों को पालने का, तो अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो हमारा जोड़ा जो है वो एक मटकी में चार पाँच बच्चे भी होंगे तो उनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से फीड करवाता है और हमारे पास बच्चों की क्वान्टिटी भी जो है वो शिफ्ट करने से बढ़ जाती है और बच्चे मरने जो है वो बच जाते हैं। तो दो हो गए पॉइंट हमारे। तो तीसरा पॉइंट है कैल्शियम विटामिन्स के सप्लीमेंट जो हम अपने बर्ड्स को देते हैं, कैल्शियम विटामिन्स का कोर्स। कैल्शियम विटामिन्स का कोर्स सही समय पर करवाना आपको आना चाहिए। बर्ड्स जब आपके पास जोड़ा लग जाता है, जब आप ब्रीडिंग की तैयारी करते हैं, मटकी लगाते हैं, तो जोड़े की क्रॉसिंग से पहले आप कोशिश करें कि कैल्शियम विटामिन्स का कोर्स करवा दें। जब वो जोड़ा क्रॉस करे तो क्रॉस करने के बाद छः सात दिन में अंडे आ जाते हैं, तो इस दौरान भी आप अगर अंडे आने से पहले आप कोर्स करवाएंगे तो जोड़े को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन जो इसकी नीड होती है वो उसको मिल जाएगी। केज में जो है वो कटल फिश बोन, कैल्शियम ब्लॉक और नमक वगैरह जो भी हम चीज़ें रखते हैं वो भी आप ज़रूर रखें।
अब कैल्शियम विटामिन का कोर्स के बारे में मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे भाई जो हैं वो गलती कर देते हैं कि जोड़ा जब वो प्रॉपर अंडे दे देती है मादा और अंडों पर बैठ जाती है उसके बाद जो है वो कोर्स जो है वो करवाते रहते हैं या मटकी में जो है वो बच्चे निकलना शुरू हो गए और उसके बाद जो है वो कैल्शियम विटामिन्स अपने बर्ड्स को देते रहते हैं। इससे क्या होता है कि जोड़ा जो है वो दोबारा हीट पर आ जाता है और जब दोबारा वो ब्रीडिंग के मूड में आता है तो मटकी में अंडे या बच्चे होते हैं तो जोड़ा क्या करता है, मेल कर सकता है या फीमेल दोनों में से कोई एक ये हरकत कर सकता है या दोनों ही ये हरकत कर सकते हैं कि मटकी में जो अंडे होते हैं या बच्चे होते हैं वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो मटकी खाली होगी तो मादा दोबारा अंडे देगी, तो जल्दी हीट पर आ जाते हैं कैल्शियम विटामिन की वजह से। तो जब भी आप ब्रीडिंग होने के बाद कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवाएं तो बच्चे मटकी में जब बड़े हो जाएं तब वो कोशिश करें कि आप जो है वो दोबारा आप कोर्स करवा सकते हैं। जब जोड़ा दोबारा अपने नेक्स्ट क्लच की तैयारी में लग जाता है, बच्चे जब मटकी से बाहर आना शुरू हो जाते हैं उस समय आप कोर्स करवाएं, क्योंकि बच्चे मरने की कई बार ये वजह होती है। काफ़ी सारे भाई जो है वो कमेंट्स करते ही रहते हैं कि जोड़े ने अपने बच्चों को मार दिया या मेल बच्चों को मार रहा है या फीमेल बच्चों को मार रही है, मादा अंडों को बाहर फेंक रही है या मेल जो है वो अंडों को नुकसान पहुँचा रहा है, तो वो यही वजह होती है कि वो दोबारा ब्रीडिंग मूड में आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है कि हम पिंजरों में, ख़ासकर हमारे उन भाइयों के लिए है ये चौथा पॉइंट, जो कि पिंजरों में एक जोड़े दो जोड़े से ब्रीड लेते हैं और पिंजरों में जो है वो ये से इस तरह के या तो चाइनीज़ पिंजरे होते हैं या होममेड पिंजरे होते हैं। तो चाइनीज़ पिंजरों में जो है वो ट्रे आती है और ट्रे के ऊपर जो है वो जाली होती है, तो जाली पर आपको जो है कुछ ना कुछ जो है उसकी फर्श, जो केज की फर्श है उसको आपको कवर करके रखना है। आप जो है वो किसी भी चीज़ से आप कवर कर सकते हैं, फाइबर सीट से आप कवर कर सकते हैं या कोई जो बैनर का जो सीट्स आती है वो आप बिछा सकते हैं, न्यूज़पेपर जो है वो लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे जब मटकी से बाहर आते हैं तो उनको बैठने के लिए एक प्रॉपर स्पेस मिलता है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो सेल्फ जल्दी हो जाते हैं, वो दाना खाना जल्दी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर केज की फर्श तो एकदम सही होगी, जाली नहीं होगी, तो जो हम सॉफ्ट फूड रखेंगे वो जो है वो पेरेंट्स खाते हैं तो इधर उधर जो है वो नीचे गिरता है, तो पेरेंट्स को देखकर वो वहाँ से जो है वो उठाना शुरू कर देते हैं, तो वो जल्दी खाना शुरू कर देते हैं। और दाना जो है वो कोशिश करें कि दाना जब आप रखें, बच्चे जब बाहर आए हुए हों, सेल्फ नहीं हुए हों, तो दाना जो है वो गिरा दें नीचे। आप कॉलोनी में ब्रीड ले रहे हैं तो कॉलोनी में जो है वो बच्चे नीचे आए हुए हों तो नीचे जो है वो ट्रे के अलावा भी नीचे आप कॉलोनी में जहाँ बच्चे इकट्ठे होकर बैठते हैं उस तरफ दाना गिरा दें। जब कॉलोनी के दूसरे बर्ड्स वो दाना खाने आएंगे तो एक छोटा बच्चा भी होगा, उनको देखकर वो दाना उठाना शुरू कर देता है। और केज में भी आप इसी तरीके से आप करें, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा। मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को सेल्फ करके लाइव आपके सामने उस वीडियो में दिखाया, तो वीडियो देखिएगा तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, जो हमारा इम्पोर्टेंट भी है आप खासकर कॉलोनी ब्रीडिंग लेने वाले भाइयों के लिए, और जो पिंजरों में ब्रीड लेते हैं वो भी ये काम कर सकते हैं, और सर्दियों में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्दियों में बहुत काम आने वाला ये काम है। जब भी आपके यहाँ बच्चे जब बाहर आना स्टार्ट हो जाए, आप कोशिश करें कि कॉलोनी में हो चाहे केज में हो, एक बॉक्स जो है वो लगा दें किसी भी कोने में, या आपको छोटा सा कोई भी आप जो है वो एक छोटा सा घर बना दें उनके लिए, ताकि बच्चे जो हैं वो सारे उसके नीचे चले जाएं, या बॉक्स रख दें। मेरी कॉलोनी में बॉक्स लगा हुआ है, अभी मैं आपको स्क्रीन पर जो है वो वीडियो चलाकर भी दिखा दूंगा। तो आप ये काम करें ताकि बच्चे जो है वो सर्दी से भी बचे रहेंगे, उस बॉक्स में या जो भी आप छोटा सा एक कोने में घर बनाएंगे
ज़्यादा आपको बहुत बड़ा नहीं बनाना है, बहुत एक छोटा सा बना लेना है छोटी हाइट का, ताकि बच्चे जो हैं उसमें जाकर बैठ जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो कॉलोनी के दूसरे बर्ड्स कई बार बच्चों पर अटैक भी कर देते हैं, क्योंकि जब वो अपने बच्चों को फीड करवाने आते हैं तो नीचे जो बच्चे सारे आए हुए होते हैं वो भी उनसे फीड मांगना शुरू कर देते हैं। हालाँकि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, बहुत कम ऐसे बर्ड्स होते हैं कि कॉलोनी में दूसरे बच्चों को जो है वो मारते हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो बॉक्स का आप इस्तेमाल ज़रूर करें। केज में आपने रखा हुआ है तो कोई भी जूते का डब्बा ले लें या कोई भी गत्ते का कोई भी ऐसा कोई डब्बा ले लें। या आपके पास अगर 2-4-5 जोड़े केज ब्रीडिंग में ले रहे हैं तो उससे बच्चे सर्दी से भी बचे रहेंगे। तो जो 5 काम मैंने बताए हैं अगर आप ये कर लेते हैं, चाहे आपके पास बच्चे मर रहे हों या नहीं मर रहे हों, अगर आप बजरी तोतों से ब्रीड लेते हैं तो ये 5 काम आप ज़रूर करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।